वेलकम टू माय न्यू टेस्टी फूड किचन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम एक बार अपने किचन में हाजिर हुए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, जिसे कोकण की भाषा में हमारे यहाँ राय की सब्ज़ी भी कहते हैं। और इसे हम किस तरह बनाते हैं और उसे क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगी। ये लिया है मैंने एक गड्डी सरसों का साग, जैसे राय की भाजी, उसे मैंने धो के वॉश करके सारा सब कुछ उसे बॉईल करके रखा हुआ है। अब उसे जो जो चीज़ें लगेंगी उसमें जाएंगा एक हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, एक टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। हम टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे झींगा, जिसे मैंने साफ़ करके चार पाँच रखा हुआ है, दो लहसुन की कलियाँ जिसे मैंने क्रश करके रखी हुई है, एक हरी मिर्च और दो मीडियम साइज़ की प्याज, और एक नारियल जिसे मैंने कद्दूकस करके बारीक पीस के उसका दूध निकाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अब हम हमारी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये हमने चूल्हे पे अभी अपना डेगची रखी हुई है, इसमें हम दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे जिसे हम गर्म करेंगे, और उसमें हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दो कटी हुई प्याज, जिसे हम हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा हम लाल नहीं करेंगे। हमारी प्याज अब थोड़ी सी हल्की पिंक हो चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ लहसुन, जो हमने थोड़ा सा क्रश करके रखा हुआ था, और एक हरी मिर्ची ऐड करके इसे बस हल्का सा भून लेंगे। बाकी सारे मसाले अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे। हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और ये हमने जो चार पांच झींगे रखे थे साफ करके टेस्ट के लिए है। कोकण की सारी डिशेस में खोबरे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक टीस्पून हमने डाला धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हम डालेंगे अदरक हल्दी पाउडर, एक टीस्पून हम डालेंगे मिर्ची पाउडर। अब हम हल्का सा इसे फिर एक आधा मिनट इसे भून लेंगे और हमारी सब्ज़ी डालेंगे जो कि बॉईल की हुई है। आधा मिनट हमने इसे मसाले को सारे भून लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारी सब्ज़ी। अब हम इसमें थोड़ा दो टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से मसालों का स्मेल थोड़ी चली जाए। और अभी हम दम में रखेंगे इसे 10 मिनट। बीच में एक दो बार हम चमचा चलाएंगे। जब सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से गल जाए और सारे मसालों की खुशबू इसमें से थोड़ी सी निकल जाए, फिर हम उसमें ऐड करेंगे नारियल का दूध। ऐसे ढक के रखते 10 मिनट। हमने सब्ज़ी को अब दम में पका लिया था। दो टेबल स्पून हमने पानी उसमें ऐड किया था और स्लो आंच पे हमने इसको अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले इसमें जज्ब हो जाए। अब हम इसमें नारियल का दूध डालेंगे। एक प्याली नारियल का दूध। अब हम इसे स्लो आंच पे फिर से 5 मिनट दम में पकाएंगे, ताकि नारियल का भी उसमें सारा रस सब्जियों में जज्ब, और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमने 5 मिनट इसे स्लो आंच पे नारियल का दूध डाल के पका लिया था। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं। सर्दियों की शान सरसों का साग, हमारे कोकण की शान है। ये तैयार हो चुका है। इसे अब हम वाइट रोटी यानी चावल की रोटी, प्याज और लीमू से हम सर्व करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक,
कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।